हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन से संज्ञा की गिनती का बोध होता है। वचन से संज्ञा की गिनती का बोध होता है। शब्दों के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक, शब्दों के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह एक है या अनेक है, उस रूप को वचन कहा जाता है। वचन के उदाहरण, माता किताब, माताएं किताबें इत्यादि। वचन के प्रकार, पहला एक वचन, शब्दों के जिस रूप से जिस रूप को एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। शब्दों के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं।